देवी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाए वो बहती बहती धाम में चली जाए। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर बुला ले एक बार मिलके ये बात। आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो बजाकर जब जब नाम आए तब तब ताली बजाना। मां मनसा देवी रूपेण मां काल कमाली रूपेण मां नैना देवी रूपेण मां ज्वाला देवी रूपेण मां चिंतापूर्णी रूपेण मां चिंतापूर्णी रूपेण मां चामुंडा जी रूपेण वाली रूपेण माँ वैष्णो देवी रूपेण माँ बाला सुंदरी रूपेण संसिता माँ शाकुंभरी रूपेण संसिता गुड़गावा वाली रूपेण संसिता माँ बेरी वाली रूपेण
11 बजे भी यहां से बैठे हैं, कल वाले भी बहुत हैं इसमें। कल वाले कौन कौन है? हाँ, ये पक्के पैसेंजर है मेरी ट्रेन के। कौन कौन नहीं रह सकता उनके बिना? दोनों हाथ खोल के, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, अधूरी। शक्ति बिना इस पंडाल में अगर शक्ति को बिठाना है तो शिव को भी बिठाना पड़ेगा। शिव के बिना सब है, शिव है तो सब है। बम्बा शिव समा दाता नहीं विपद बिठारण हेलो बोलो हेलो आवाज तो है। ओ विपद विडान प्रेजेंट आपने लगानी है। क्या बोलना है? ओ भोलेनाथ को मनाने भी आए, भोलेनाथ को मनाने भी आए, भोले बाबा को मनाने भी आए, ओ हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। भोलेनाथ का दिन है, कई लोगों को सुना मैंने सावन का आखिरी सोमवार है, आज ही कर दो भोलेनाथ पे सब कुछ अर्पित। आखिरी सोमवार कौन सा होता है? आखिरी सोमवार, आखिरी सोमवार तो जिंदगी का होता है, भोलेनाथ का थोड़ी ना आखिरी सोमवार। सावन का आखिरी सोमवार उनके लिए है जिनको सिर्फ सावन में भोलेनाथ की याद आती है, जिनको रोज भोलेनाथ की याद आती है, उनका आखिरी सोमवार कभी नहीं होता भाई। दोनों हाथ उठा के ओम नमः शिवाय बोलो।
शंभू का महामंत्र है, शिव शंभू का महामंत्र है, क्यों ना दिल्ली जाए। इष्ट देव कुल देवता मेरे बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, आवाज आए बालाजी महाराज, ओ मेरे बालाजी महाराज। मरघट क्या होता है? शमशान। शमशान की ताकत दिन से ज्यादा रात में होती है, और उसी प्रकार जब राक्षस की ताकत जब बड़ी होती है, भगवान की ताकत भी तब बड़ी होती है। इसका मतलब अगर शमशान की ताकत बढ़ेगी तो मरघट वाले का बल भी बढ़ेगा। इसका मतलब रात को अगर मरघट वाले को याद करेंगे तो भगत का बल भी बढ़ेगा। बालाजी महाराज, हर किसी के इष्ट देवता कुल देवता बालाजी थोड़ी ना हो जाएंगे। सवाल भी ठीक था। अब जैसे रस्तोगी जी कह रहे थे इनसे नहीं जीत सकता कोई, ये सच है, झूठ नहीं कह रहे थे। आया बोले हमारे बालाजी महाराज कैसे कुल देवता हो गए? मैं बोला तुम हिंदू हो? बोले हाँ। मैं तुम्हें लगता है कि जब राम जी युद्ध लड़े होंगे तो तुमने भी उनका साथ दिया होगा? बोले हाँ। तुम सनातनी हो? बोले हाँ। मैं बोला हनुमान जी तब भी थे जब कोई नहीं था, सिख धर्म 550-600 साल पुराना, ये क्रिश्चियन धर्म 2022 चल रहा है, इससे पुराना नहीं है, पहले कोई नहीं था इनका। मुस्लिम धर्म का मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, और हिंदू धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं कब तक का है साहब। ये चांद भी सनातनी है भाई, अब देख लो कब से है, अब देख लो कब से, तब से हिंदू है। अच्छा हनुमान जी कैसे हमारे कुल देवता? जब राम जी युद्ध लड़े थे तब भी हनुमान जी थे, जब कृष्ण जी युद्ध लड़े तब भी हनुमान जी थे, आज हम भी युद्ध लड़ रहे हैं तो भी हनुमान जी है। इसका मतलब जो हमारा परदादा का परदादा का परदादा होगा वो भी हनुमान जी को मानता होगा, तो कुल देवता हो गए कि नहीं हो गए? हिंदू हो तो कुल देवता हनुमान जी है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर गाना बालाजी।